मसूरी में स्नोफॉल हो चुका है, 2020 की दूसरी बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसने भी बर्फबारी मिस कर दी थी 2020 की पहली, वो ये दूसरी बर्फबारी का आनंद ले सकता है। जस्ट स्टार्ट हुई है अभी, और अभी गाड़ी स्लिप भी नहीं हो रही है क्योंकि पाला नहीं पड़ा है। ये देखो गाड़ी के निशान है। तो अभी आप आ सकते हैं बड़े आराम से मसूरी की तरफ, बाद में भीड़ भी हो जाएगी, पाला भी पड़ जाएगा, तो जल्दी से आ जाइए। बहुत मज़े कर रहे हैं हम लोग, तो आप भी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं मसूरी की तरफ। लगता है सब ठंड के मारे सो रहे हैं अपने घर में आराम से। भाई देखो हम तो मज़े कर रहे हैं, घर जा रही हूँ और देख सकते हैं कितनी बर्फ पड़ी है, और ऐसे मौसम में चलना काफी मुश्किल है। स्नोफॉल हो रहा है और मैं पैदल पैदल अकेले जा रही हूँ आज स्नोफॉल में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत स्नोफॉल हो रहा है, ठंड भी काफी लग रही है। इन पहाड़ी इलाकों में ना ऐसे चलना काफी मुश्किल है, वो भी अकेले अकेले और इतनी ठंड में। क्या करें, घर तो जाना ही है ना। जहाँ पर पानी जमा होता है ना वहां पर पैर अगर रख दिया तो माय गॉड। अभी ये बर्फ थोड़ी ठीक है क्योंकि अभी इसमें पाला नहीं पड़ा है, लेकिन जैसे ही पाला पड़ जाएगा ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाथ ठंड से काफी जम चुके हैं इस बर्फ की वजह से। देख रहे हैं आप ऊपर से कितनी तेज बर्फ पड़ रही है। और आज मसूरी में शूटिंग भी हो रही है, यहाँ पर शायद बागी थी मूवी की जिसमें टाइगर श्रॉफ मसूरी पहुंचे हुए हैं। कल उन्हें मैंने देखा था चौक पर, और शायद अगर आज भी होंगे तो मैं आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगी उनको। ये देखिए कितनी सारी बर्फ पड़ गई है। ये गंदी भी हो चुकी है अब तो बर्फ, और यहाँ यहाँ साफ है। अभी ऐसा करते हैं मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ प्रतापगढ़ चौक तक, उसके बाद फिर से आपको वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे फोन के साथ में चलना थोड़ा खतरनाक हो सकता है।
फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इस खूबसूरत सी बर्फबारी के साथ में वीडियो मैं बना रही हूँ आप सभी के लिए। ये बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पता है सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब हम अपना एंजॉय करते हुए चल रहे हो और कोई गाड़ी वाला आके एकदम से छींटे मार दे, मतलब पैदल चलने वाले लोगों पे छींटे मार दे। बाय गॉड, इतना गुस्सा आता है ना, क्या बताऊँ। और अभी इतनी तेज़ वाली बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है ना, मैं क्या बताऊँ। और अभी मुझे बहुत दूर जाना है, कम से कम मुझे एक घंटा लगेगा घर पहुँचने में। और मैं अकेली हूँ, अभी पैदल जा रही हूँ, पता नहीं कैसे मैं आज घर पहुँचूँगी, भगवान भरोसे है सब कुछ। और आप मेरे पीछे देख रहे हो इतनी सारी बर्फबारी हो चुकी है और इतनी सारी बर्फ और पड़ रही है, भगवान बचाए मुझे आज। हेलो फ्रेंड्स, और इस बर्फबारी के मौसम में ना मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, मैं अकेले अकेले घर जा रही हूँ। कोई तो होता मेरे साथ, मतलब चाहे एक ही फ्रेंड होता लेकिन होता, जिसके साथ मैं मतलब अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर सकती है और उसे बता सकती कि यार वाह कितनी अच्छी बर्फ़ पड़ रही है। कोई भी नहीं है, बताओ। मुझे फ्रेंड ग्रुप नहीं चाहिए था बहुत सारा, बस एक फ्रेंड होता जिसके साथ मैं मतलब फ़ोटो तो खिंचा सकती यार कम से कम। और मुझे सेल्फी वाले कैमरे से वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि मैं बोर ना हूँ, क्योंकि ये सुनसान सा रास्ता आप देख रहे हैं, ये पूरा सुनसान रास्ता है। मेरे पीछे देखिए आप, और अगर मैं इधर भी दिखाऊँ ना, ये देखिए, और पूरा कोहरा लगा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस ये गाड़ी दिख रही है ब्लू कलर की, देखो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बर्फ पड़ रही है अभी। और हाँ, मेरी बर्फ के आगे की कहानी बताना तो मैं आपको भूल ही गई। दरअसल क्या हुआ कि जब मैं ऑफिस से आ रही थी ना, तो मुझे आईटीबीपी के एक जवान मिले जो कि छत्तीसगढ़ से आए हुए थे बाकी के जवानों को मसूरी छोड़ने के लिए। तो उन्होंने जब मुझे देखा पैदल चलते चलते, तो उन्होंने एक टैक्सी बुक की और मुझे भी अपने साथ लेके गए आधे रास्ते तक। कहा कि तुम पैदल जा रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो लाइब्रेरी शॉप तक तो मैं उनके साथ आई हूँ। उसके बाद उन्हें देहरादून जाना था तो वो देहरादून चले गए। बहुत बर्फ है, काफ़ी मुश्किलों से आई होप सो अच्छे से पहुंच जाए। और अब लाइब्रेरी चौक से और माल रोड में मेरा घर है, तो माल रोड तक मैं पैदल पैदल जा रही हूँ। आपको भी दिखाती रहूँगी कैसी सिचुएशन है आगे, आप थोड़ा सा कुछ भी देख लीजिए। ये है माल रोड का रास्ता जो कि बर्फ में देखिए कैसा रखा है। बहुत बुरे हाल है। हाँ, और एक और बात है आज की जो मुझे आपको बतानी है। दरअसल क्या हुआ कि अभी लाइब्रेरी चौक पे जैसे ही मैं पहुंची तो मुझे कोई मिले जानने वाले,
उन्होंने मुझे चाय का एक कप लाया, तो मैंने रेस्टोरेंट में बैठ के भी एक चाय का कप पिया, तो थोड़ी सी गर्मी आई है मेरे अंदर, लेकिन अभी फिर से ठंडी हो गई हूँ क्योंकि बहुत बर्फ पड़ रही है। और आज की बर्फ की एक खास बात बताऊं आपको, आज की ये जो बर्फ है ना, इसमें कोई अभी तक मिक्सचर नहीं है, मतलब कि ना तो बजरी पड़ी है, ना ही इसमें ओले पड़े हैं, और ना ही अभी तक पाला पड़ा है, प्योर बर्फ है। इसी वजह से लोग इतने आराम से चल पा रहे हैं इसमें। आगे दिखाती हूँ क्या एंजॉयमेंट लोग कर रहे हैं इस बर्फ में, बाहर से आए हुए टूरिस्ट। सामने दारू का ठेका भी है और लोगों की मौज मस्ती भी है, देख लीजिए आप खुद ही। पर्यटकों की खुशी आप देख सकते हैं। ओए गणपति गाने देखा आपने कैसे लगती है ऊपर से पड़ती हुई बर्फ। पीछे का नजारा और ये आगे का, थोड़ी सी दूरी और है मेरे घर की। जूते भी आवाज करने लगे अब तो, देख रहे हैं जूते भी कह रहे हैं बहुत हुआ। I'm gonna
इस बर्फ ने आधी कर दी है। फाइनली अब मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, तो ये आखिरी वीडियो है बाबा का। आई एम एट माई होम। अच्छी अच्छी बर्फ पड़ी है इधर। अब मुझे लग रहा है कल मेरी ऑफिस से छुट्टी हो गई है। इतना अच्छा काम चुके हैं, मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है आप सबके लिए। ऐसे करते थोड़ा सा आगे तक आपको दिखा ही देते हैं। जब हमने इतनी सारी वीडियो शूट किया है तो थोड़ा सा और सही। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बर्फ पड़ती है। और ये देखो, ये चिल्ड्रन पार्क है, कितना प्यारा लग रहा है। वाह, जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना, वो मुझे उम्मीद है कि आपको भी जरूर अच्छी लगेगी। उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमें घर पहुंच चुकी हूँ। बाय बाय।